जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बसीर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बसीर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर स्पेशल सेल ने मंगलवार को बसीर अहमद को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि 2007 में दिल्ली पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद बसीर गिरफ्तार हुआ था। निचली अदालत से बरी भी हो गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी। बाद में जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हो रहा था, इसलिए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके 2 और साथियों को दिल्ली पुलिस ने इसी साल गिरफ्तार किया था, जिनके नाम फैजल और मजीद बाबा है। पिछले महीने 22 जून को बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया था। बारामूला जिले में उरी क्षेत्र में बोनियार इलाके में मारे गए आतंकी की पहचान लुकमान के तौर पर हुई थी। आतंकियों और राष्ट्रीय राइफल्स व राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसमें लुकमान को मार दिया गया था। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।